ऐसा बड़ा कमरा ना कितना मेन जगह है महाराष्ट्र की। काशी राम जी का जो मूवमेंट शुरू हुआ था वहां से 1978 में, मैं तब से एक फाउंडर मेंबर की नियत से काम कर रहा हूँ। आज से लोग बहुत से पूछते हैं कि आप कौन सी फॉर्म शेप में है, तो मुझे उत्तर नहीं मिलता, उत्तर नहीं दे पाता, क्योंकि मैंने जो सीखा महाराष्ट्र में रह के बाबा साहब का जो साहित्य पढ़के, काशीराम जी का जो उद्बोधन देखे, तो मुझे नहीं लगता कि हम लोग बिछड़ाव की बात करेंगे। आज समाज में जो हो रहा है, मेरे भाई बहुत पहले बहने बहुत अच्छी अच्छी बातें कह गए हैं, तो उन बातों को रिपीट नहीं करना चाहूंगा। जैसा कि धनखे जी ने ऑर्डर दिया है और मैं करीब करीब उसी बात का हामी हूं कि बात कार्य की हो जाए। मैं साहब श्री राम जी के साथ में उनके आखिरी दिन में कह लीजिए, चूंकि मैं 78 से उनके साथ में जुड़ा था, आखिरी दिन में मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा, तो मुझे उनके बहुत ही प्रॉक्सिमिटी मिली, नजदीक रहने का साथ मिला, ये मेरे लिए बड़ा अच्छी बात है। मैं बहुत ओजस्वी भाषण नहीं देना चाहता, मैं जानता हूँ हमें भाषण देना आता है, चूंकि मैंने काशीराम जी को सुना तो मैं ये समझता था कि जैसे वो बोलते थे कन्विंसिंग वे में, अगर उस तरह की बात करी जाए तो लोगों की समझ में ज़्यादा आती है, जो उसकी जरूरत है मैं इस बात को निकाल कर लूँगा। बिना जोश के काम नहीं चलेगा, लेकिन काशीराम जी के शब्दों में मुझे याद आ रहा है कि हम जोश में होश नहीं खोए। आज हम होश बहुत जल्दी खो रहे हैं, बहुत जल्दी खो रहे हैं, यह हमें सोचना है। हमारे पास इस देश में समस्या है, कभी नहीं है, सामाजिक आर्थिक धार्मिक राजनीतिक सांस्कृतिक पता नहीं कितनी समस्याएं हैं, सबसे बड़ी समस्या सामाजिक, जिसके लिए आज हमको क्या करते हैं। समाज में बहुत सी बातें हैं, अन्याय अत्याचार इसमें से टॉप में है, जिसके लिए आज हम यहाँ करते हैं। भीमा कोड़े गांव का जो केस है, उसके बाद आरएसएस के द्वारा जो बातें हैं और बहुत सी चीजें हैं जो मुझे दिख रही है, समाज की ये बहुत बड़ी समस्या है। समाज की और भी समस्या है, शिक्षा की समस्या है, आप सबको मालूम है, सब प्रबुद्ध लोग हैं, जो कोई बताना ज्यादा बढ़ाना नहीं चाह, आप सब पढ़े हुए लोग हैं, मैं सिर्फ शेयर कर रहा हूँ इसी बात। एम्प्लॉयमेंट की समस्या है, हेल्थ की समस्या है, और पता नहीं कितनी समस्या हुई हम लोग जो है समस्या में सर चले जाए, क्योंकि हमें वे आउट नहीं मिल रहा। आज हमारे सभी प्रबुद्ध वर्ग इस बात से बहुत परेशान है कि हम क्या करें, समस्याएं समस्याएं होते हैं और बहुत से संगठन भी बनते हैं सभी क्षेत्रों में, चाहे वो राजनीतिक हो सामाजिक हो धार्मिक, मैं किसी विशेष क्षेत्र की यहाँ कोई नहीं करूँगा, क्योंकि मैं पत्रकार लड़ाई हूँ, मैं प्रेम मैत्री भाईचारे की भावना में विश्वास करता हूँ, किसी की क्रिटिसाइज वाली बात नहीं करता। मैं यहाँ आ रहा हूँ, देख रहा हूँ बहुत देर से लोग एक दूसरे की टांग खींचने में कोई कमी नहीं कर रहे, भाई हम उद्देश्य हैं, हमको प्रेम मैत्री का तो ध्यान रखना है, भाईचारा किससे बात कर, ये जितने भी काम कर रहे हैं सब हमारे ही तो भाई हैं, वो क्या क्या कर रहे हैं इस पर नजर रखिए। अगर आपको डॉक्टर अम्बेडकर की भाषा शिक्षा का ज्ञान है तो आप अच्छी तरह एनालिसिस कर पाएंगे, अदरवाइज आप एक दूसरे को गाली देकर अपने आप को शांत कर रहे हैं, इससे काम नहीं बनने वाला। मैं भंते जी का बड़ा आभारी हूँ, क्योंकि मेरा जो टॉपिक था उन्होंने बीच में बताया, एक्चुअली मेरा यही काम है कि इस देश में एकता कैसे आए, कोई भी आंदोलन कर लीजिए बिना शक्ति के बिना एकता के काम नहीं होगा। मैंने तमाम 40-50 साल का मेरा अनुभव है इस क्षेत्र में, मैंने तमाम लोगों से बातें पूछी कि मुझे कोई सूत्र बताओ जिससे हम एक हो जाए, मुझे कोई जवाब नहीं दे पाया, सब अपने अपने जवाब देते हैं, लेकिन मैं संतोष नहीं है, मैं संतुष्ट नहीं हूँ। कारण क्या है, कोई धर्म की बात करता है हम धर्म का झंडा लेकर चलेंगे एक हो जाएंगे, कोई सत्ता की बात करता है सत्ता लेकर एक हो जाएंगे, कोई और कुछ बात करता है, लेकिन हम शायद लेते हैं डॉक्टर अम्बेडकर के और जीवन में सार्थक प्रयास,
उनका जो पूरा जीवन का सार है वो दो ही जगह हमने इकट्ठा किया है। बहुत सारी बातें हैं, मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ, मैं बहुत शॉर्ट में बात कर रहा हूँ आपसे। उनका सिर्फ दो ही बातें ध्यान रखिए कि भारत का संविधान और बुद्धा की धम्मा। अगर भारत के संविधान में से आर्टिकल 1 से 51 तक हमने ध्यान कर लिया तो बुद्धा एवं धम्मा का काम हो गया। बुद्धा एवं धम्मा को आप पढ़ लीजिए, प्रीएम्बल को देख लीजिए, इंट्रोडक्शन जो है संविधान का क्लियर लिखा है, मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा आपके सामने, नहीं तो बात हो जाएगी कि सूरज को दिया जला रहा है। आप सब लोग प्रबुद्ध हैं, आप मेहरबानी करके उन चीजों को देखिए तो डॉक्टर अम्बेडकर और कांशीराम जी भूल के गए हैं, क्योंकि हम उन्हीं के वंशज हैं, उन्हीं की बातों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उसी लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। इस पर थोड़ा सा सीरियसली आपको विचार करना पड़ेगा। संविधान के बिना, मैं आपको क्लियर बता दूं, संविधान के बिना आज इस देश में कोई भी यूनिटी नहीं हो सकती। डॉक्टर अम्बेडकर ने कभी ये नहीं कहा व्यक्ति पूजा करो, संगठन बनाओ, व्यक्ति का नाम लो, पूजा करो, नो गो डाउन, वो बिल्कुल मिट जाएगा। विचार जिंदा रहता है, विचार की उन्होंने बकाया थी, विचार की बात उन्होंने करी और वही बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। डॉक्टर अम्बेडकर को जिंदा रखना है, उनके विचार ही आपको जिंदा रख पाएंगे, उसी से देश चलेगा। संविधान में उनके विचार हैं, बुद्धा अन्य धर्म में उनके विचार हैं, अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको रास्ता मिल जाएगा मेरे दोस्त। तो मेरा एक कहना यह है, एकता के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि इस बदमाश सरकार, 70 साल की बदमाश सरकार जिसमें सब शामिल हैं, एक भी छूटा नहीं है मेरे से, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जनता दल हो, कोई भी हो, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन एक जगह है और बंच ऑफ थॉट अलग है। बंच ऑफ थॉट का आपने बहुत नाम सुना होगा, यह आरएसएस का संविधान है। इस संविधान को एमएस गोलवलकर लेके चला गया 1940 में लेकर और कैंटर तक उसने उस पर काम किया। आज उसके वंशज जिनको हम यहाँ बैठ के गाली दे रहे हैं वो बदस्तूर संविधान को कायम कर रहे हैं और भारत के संविधान को नकार रहे हैं। ये आपको सोचना है, अगर आपको वाकई एकता लानी है विचार से एक जोड़ी है। अब आपको धर्म भी उतना इकट्ठा नहीं कर पाया कि सत्ता पाए, क्यों कि धर्म से तो हमारे 25% मैक्सिमम 30% लोगों को बुद्धिस्ट बना पाए। सिख, मुस्लिम, जैन और मनुवादियों को हम बुद्धिस्ट नहीं बना पाए, लेकिन संविधान 85% लोगों पर अवेलेबल है, ये ध्यान रखो। इसको सिर्फ न मानेंगे तो 10 या 15% लोग जो मनुवादी लोग हैं वो ही नहीं मानेंगे और उन्हीं को हमें एक्सपोज करना है। हमारी एकता सिर्फ उसी से बनेगी, उन 15% को एक्सपोज कर दो और संविधान की बात लोगों को जनजन तक पहुंचाओ। आर्टिकल 151 मैं बार बार बोल रहा हूँ, ज्यादा मत करिए, ज्यादा संविधान की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ इतनी बात है जनजन तक पहुंचा देंगे, इस देश की जनता जान जाएगी कि 70 साल से हमें ये चीज नहीं बताई, इसमें तो हमारा पूरा कल्याण है, वेलफेयर स्टेट की बात है। मैं नहीं चाहता, लेकिन बात पूरी ना हो तो भी एक तरह से मुझे थोड़ा समझ, क्योंकि मैं बहुत सुना और कुछ लोग तो इतना समझ लेते हैं, मैं आपको बता दूं कि उसका कोई संदेश नहीं होता कि मैंने जो किया आपके द्वारा है। संदेश मिल जाए, अगर 2 मिनट कोई ज्यादा ले ले तो मेरे ख्याल से कोई बुरी बात नहीं है। मैं तो अपने श्रोताओं में रहता हूँ, मैं हमेशा ऑडियंस में विश्वास रखता हूँ, मैं ऑडिटर नहीं बनना चाहता, मैं कोई स्पीकर नहीं, मैं तो सिर्फ शेयर करता हूँ मेरे और कमेंट देश में, इस समाज में, वो सिर्फ आप लोगों के साथ रहता हूँ मैं और कुछ नहीं। अगर आपको कुछ इकट्ठा करनी है किसी भी आंदोलन को करना चाहिए, आप ऐसे कोरे नारों से सत्ता प्राप्त नहीं कर पाओगे मेरे दोस्तों, आपको एकता बनानी पड़ेगी। एकता बनाने के लिए इस आंदोलन की शुरुआत लाखन सिंह बौद्ध ने करी है, इन्होंने मुझे कई बार इंसिस्ट किया, ये मुझसे कई बार मैं इनसे मिला और ये मुझसे मिले, मैंने हमेशा इनसे एक बात की, भैया आप क्या करें, दुनिया काम कर रही है, मेरे का मेरे बस में नहीं किसी प्लेट काम का बात कर, लेकिन मैं ज्यादा सत्य का सुनता हूँ, अगर जरूरत पड़ती है तो मैं जरूर शेयर करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, आपने सुना, मैंने भी कुछ समय ज्यादा ले लिया हो, माफी चाहूंगा। जय भीम।